भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े करीब 100 लोगों ने शुक्रवार को देश के नागरिकों से 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने एक वेबसाइट www.artistunited.com पर यह अपील पोस्ट की है। देश भर के फिल्म निर्माण समुदाय से जुड़े करीब 100 से ज्यादा कलाकारों ने सेफ डेमोक्रेसी नाम से एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कलाकारों ने आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की लोगों से अपील की है। इस अभियान में मुख्य तौर पर भाजपा के शासनकाल में दलितों, मुसलमानों और किसानों का हाशिए पर होना, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थानों के लगातार शरण सहित उन पर बढ़ती सेंसरशिप को भी इस अभियान को शुरू करने के कारणों में गिनाया गया है। साथ ही इस अभियान से जुड़े लोगों के द्वारा बताया गया कि भाजपा और उसके सहयोगी अपने चुनावी वादों को निभाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। वे अब देश को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने के लिए भीड़ भाड़ और गाय सतर्कता का उपयोग कर रहे हैं। इन फिल्म निर्माताओं में अधिकतर इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये अपील करने वालों में बड़े नाम जैसे वेत्री मारन, आनंद पटवर्धन, सनल कुमार शशिधरन, सुदेवन, दीपा धनराज, गुरविंदर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, कबीर सिंह चौधरी, अंजलि मोना टियरो, प्रवीण मोरछाले, देवाशीष मखीजा, आशीष अबू और फिल्म संस्थापक वीना पॉल शामिल हैं। इनके स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारा देश अब तक के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। सांस्कृतिक रूप से जीवन और भौगोलिक रूप से विविध, हम एक देश के रूप में हमेशा एकजुट रहे हैं। इस बेहतरीन देश का नागरिक होना हमेशा महान एहसास रहा है, लेकिन अब ये सब कुछ दांव पर है। अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव में बुद्धिमत्ता के साथ सरकार नहीं चुनेंगे तो फास्टिवाद का खतरा अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेगा। देश में ध्रुवीकरण की मुहिम और घृणा राजनीति, गौरक्षा के नाम पर हिंसा, दलितों, मुसलमानों और किसानों को हसीये पर ढकेले जाने और सेंसरशिप के बढ़ने का हवाला देते हुए फिल्म मेकर्स द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है चीजें बदल गई हैं और यह बदतर होती जा रही हैं। अगर कोई भी उनसे जरा भी असहमति जताता है तो वह देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। बयान की समाप्ति एक अपील के साथ की गई। हम आप सभी से एक हानिकारक सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए आपकी क्षमता के हिसाब से सब कुछ करने का आग्रह करते हैं। आप ऐसी सरकार चुने जो भारत के संविधान का आदर करे और सभी प्रकार की सेंसरशिप से परहेज करे। इस अभियान में भाजपा द्वारा देश के लोकतंत्र को जो खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है और भाजपा सरकार की सांप्रदायिक राजनीति से देश को मुक्त कराने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।